हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह तंवर। आपका बहुत बहुत स्वागत है, यह है प्रिंटिंग गुरुजी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट प्रिंटिंग प्रोसेसेस की। दोस्तों डिफरेंट प्रिंटिंग प्रोसेसेस को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंटिंग क्या होते हैं। दोस्तों एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंटिंग चार होते हैं। पहला हमारा इमेज कैरियर, दूसरा इंक, तीसरा सब्सट्रेट और चौथा प्रेशर। इमेज कैरियर एक ऐसा कैरियर जो जिस पर हमारी इमेज और नॉन इमेज दोनों होती है। दूसरा इंक, जिस कलर में या जिस इंक से हमें प्रिंट करना है वो होता है दूसरा इंक। तीसरा हमारा होता है सब्सट्रेट, यानी कि जिस सतह पर, जिस सरफेस पर हमें प्रिंटिंग करनी है वो कहलाती है हमारी सब्सट्रेट। चौथा प्रेशर, बिना दबाव के हम प्रिंटिंग नहीं कर सकते। जब इमेज कैरियर पर दबाव पड़ता है तभी इमेज कैरियर से इंक सब्सट्रेट पर ट्रांसफर हो पाती। तो दोस्तों ये चार थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ प्रिंटिंग। अब हम आते हैं हमारे डिफरेंट प्रिंटिंग प्रोसेसेस पे। दोस्तों डिफरेंट प्रिंटिंग प्रोसेसेस पांच तरीके के होते हैं। पहला रिले प्रिंटिंग प्रोसेस, दूसरा प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग प्रोसेस, तीसरा स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस, चौथा ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस और पाँचवा डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिले प्रिंटिंग प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों रिले प्रिंटिंग प्रोसेस सबसे पुराना प्रिंटिंग प्रोसेस है। इसमें जो खास बात है वो ये है कि इसमें जो इमेज कैरियर होता है, इमेज कैरियर पर इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया दोनों फिजिकली डिवाइड होते हैं। इमेज एरिया एक हाइट पर होता है और नॉन इमेज एरिया डेप्थ पर होता है। इसी अंतर की वजह से इसमें प्रिंटिंग हो पाती है। रिले प्रिंटिंग प्रोसेस दो तरीके के होते हैं, लेटर प्रेस प्रिंटिंग और फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग। अब हम दूसरे पर आते हैं जो कि है प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग प्रोसेस। इसमें एक ही सतह पर, एक ही सरफेस पर इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया होते हैं। ये केमिकली डिवाइड होते हैं एक दूसरे से अलग, एक ही सरफेस पर होने के कारण ये इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया केमिकल प्रोसेस की वजह से अलग अलग होते हैं। प्लेनोग्राफी में भी दो तरीके की प्रिंटिंग होती है, जो कि एक लिथोग्राफी और एक ऑफसेट प्रिंटिंग। अब हम तीसरे जो कि है स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस पर आते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस पर प्रोसेस जो होता है इसमें भी हमारा इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया एक ही सतह पर होता है, लेकिन क्योंकि इसका इमेज कैरियर एक जालीनुमा कपड़ा होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बहुत ही बारीक धागे होते हैं, जिनकी वजह से बारीक बारीक छेद या ओपनिंग्स इस इमेज कैरियर में होती है। इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया जो इसमें डिवाइड होता है वो भी केमिकल प्रोसेस की वजह से होता है, लेकिन इमेज जो एरिया होता है उसमें बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से एक तरफ से दूसरी तरफ प्रिंटिंग प्रेशर के द्वारा ट्रांसफर होती है। अब हम चौथे प्रिंटिंग प्रोसेस पर आते हैं। चौथा प्रिंटिंग प्रोसेस है हमारा ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस, जिसको पहले इंटेग्लियो प्रिंटिंग प्रोसेस भी कहते थे। दोस्तों ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस में जो हमारा इमेज कैरियर है उसमें इमेज एरिया हमारा डेप्थ में होता है और नॉन इमेज एरिया हमारा हाइट पर होता है, यानी कि बिल्कुल रिले प्रिंटिंग प्रोसेस से बिल्कुल उल्टा। इसमें वाटर बेस इंक या लिक्विड इंक्स का यूज़ होता है, इसीलिए डेप्थ में इमेज एरिया रखा गया है और नॉन इमेज एरिया हाइट पर रखा गया है। तो दोस्तों अब हम डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस पर आते हैं। डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस में जो हमारा इमेज कैरियर होता है वो ना ही केमिकली और ना ही फिजिकली इमेज और नॉन इमेज बनाता है। दोस्तों इसमें हमें मदद लेनी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। जब एक लेज़र बीम से लेज़र इमेज कैरियर पर पड़ती है तब जहाँ जहाँ इमेज एरिया होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। वहीं हमारी जो इंक होती है, इंक क्योंकि एक पाउडर फॉर्म में होती है, उस पर भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो कि बिल्कुल अपोजिट होता है हमारे इमेज एरिया से। दोनों अपोजिट चार्जेस होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं,
इंक इंक ड्रम में से ट्रांसफर होती है इमेज कैरियर पर, इमेज एरिया पर, और इमेज एरिया से पेपर पर प्रेशर के द्वारा ट्रांसफर होती है, और उसके बाद इंक और पेपर को एक जगह बॉन्ड करने के लिए, फिक्स करने के लिए फ्यूज़र यूनिट होती है जो कि फ्यूज़ करती है इंक और पेपर। इस तरीके से डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस पूरी होती है। दोस्तों, इन सभी प्रिंटिंग प्रोसेस को मैं डिटेल्ड में अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। तो हर सोमवार शाम को 7 बजे बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।